ब्लॉक स्तरीय बैठक में किसान महापंचायत व विशाल रैली की विधायक ने सफल बनाने को लेकर की चर्चा। बांदीकुई में विधायक निवास पर बांदीकुई विधायक गजराज खटाना के नेतृत्व में संयुक्त किसान संगठन जिला दौसा के तत्वाधान में कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत व विशाल रैली 5 फरवरी को प्रातःकाल 11 बजे पालेट स्टेडियम दौसा में आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व स्वर्गीय किसान नेता राजेश पालेट के सुपुत्र सचिन पालेट के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बाइट विधायक गजराज खटाना 5 फरवरी को राजेश पायलट स्टेडियम दौसा में किसानों की महापंचायत रखी है और उस महापंचायत में पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनसे ये तय किया है कि 1000 ट्रैक्टर वहाँ से आएंगे और लगभग 1 लाख लोगों का टारगेट उस रैली के लिए रखा है। उसमें हमारी खास तौर से 2 मांगें हैं। पहला तो जो दिल्ली में जिस तरह का किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है हम उसका विरोध करेंगे, और दूसरा हमारा जो पूर्वी राजस्थान नहर है जिसका 13 जिलों को पानी का फायदा होगा उसकी भी पुरजोर तरीके से हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि उसको केंद्रीय परियोजना में शामिल किया जाए और उसको पूर्ण किया जाए ताकि इन 13 जिलों के किसानों को और पेयजल की व्यवस्था के लिए लाभ हो सके। सर, एक आज आम बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार की ओर से, आम बजट मेरी नज़रों में तो अभी कोई ऐसा उसमें बिंदु नहीं है। खासतौर से इन्होंने पहले घोषणा की थी अपने मेमोरेंडम में कि भाई हम लोग 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, पर आपने देखा इस बजट में कहीं कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं अडॉप्ट की है कि जिससे लगे कि केंद्र सरकार कोई बेरोज़गारों को रोज़गार देगी या कोई महंगाई के ऊपर कोई प्रतिबंध लगेगा, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है किसी भी तरह से किसान मजदूर गरीब के लिए कोई फायदे की चीज़ नहीं है। रघु शर्मा जी का बयान आया था मंत्री जी का, उन्होंने बोला कि जो बजट पेश किया गया है दिशाहीन है, जैसे बिल्कुल दिशाहीन है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि इसमें कोई गरीब किसान मजदूर के लिए कोई ऐसा एजेंडा तय नहीं किया गया है कि जिससे उनको कोई फायदा मिल सके।